नेक्स्ट है एट व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू वन, है ना। यहाँ पर बोलता है कि कौन सी प्राइस में हमारा इलास्टिसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर हमारा नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है उसको यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो 50 माइनस पी है, क्यू जीरो इक्वल टू 50 माइनस पी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ईडी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप लोग कि डी क्यू जीरो बटा डी पी इंटू पी बटा क्यू जीरो। तो ये क्या बोलता है कि हमारा इक्वल टू वन होना चाहिए इलास्टिसिटी, तो ये वन हो जाएगा। और डी क्यू बाई डी पी कितना आ जा रहा है, माइनस वन। और ये पी हमारा एज इट इज रह जाएगा, और ये क्यू जीरो कितना है, 50 माइनस पी। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पी। देखिए इसको मोड है, इसको अगर हम हटा देंगे तो ये मोड हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बटा 50 माइनस पी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वन इक्वल टू पी बटा 50 माइनस पी। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस पी इक्वल टू पी। तो ये 50 इधर रहेगा और पी माइनस आगे इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 50 इक्वल टू 2p हो जाएगा और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइस 25 रहेगा तो इलास्टिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम अगर हमको प्रूव करना है तो इसको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि p बटा 50 माइनस p है। तो अगर इसमें p अगर बैठा देते हैं, 25 बटा 50 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा, 25 बटा 25, तो ये कट के क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि एट इलास्टिसिटी ऑफ वन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पर बोलता है कि अगर हमारा इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन है, तो वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए क्योंकि जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है वहीं पर टीआर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, टीआर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर टीआर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस जगह पर तो यहाँ पर ये हमारा ईडी जो है, ईडी इक्वल टू वन हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि अगर इलास्टिसिटी वन रहेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन। अभी बता दे चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि टोटल रेवेन्यू जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहां पर एमआर जीरो होगा, और वहां पर इलास्टिसिटी जो है वो हमारा वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट डिमांड इज एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। कि अगर मार्केट डिमांड इज एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कि मार्केट डिमांड जो होता है वो इंडिविजुअल का एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज इंट्रोड्यूस बाय जेबी क्लार्क। ठीक है, ये प्रॉफिट थ्योरी का पार्ट है। मार्शल का तो पता ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और वालरस का जनरल इक्विलिब्रियम, है ना। नेक्स्ट जो है, स्टडी ऑफ डिमांड ओवर टू पीरियड इज कॉल्ड कंपेरेटिव स्टैटिक्स, है ना। कि जब हम दो पीरियड कर लेते हैं कि पहले डिमांड इक्वल टू सप्लाई यहाँ पर था, और अगर आप डिमांड नेक्स्ट पीरियड में चेंज हो गया, तो ये दो डिमांड के बीच, दो इक्विलिब्रियम ई और ई वन के बीच अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कंपेरेटिव इक्विलिब्रियम। स्टैटिक है वो सिंगल इक्विलिब्रियम को, और डायनेमिक आने का मतलब जब टाइम के साथ ये चेंज करेगा, टाइम के साथ जब ये, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे। और ये कोई जरूरत नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम पर होगा या नहीं होगा, ये हो सकता है कि ये डाइवर्स भी कर सकता है, कन्वर्ज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो डायनेमिक कहने का मतलब कि चेंज विथ टाइम। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन वन सेक्टर ऑन अदर सेक्टर इज स्टडी बाय, क्या कहलाएगा कि अगर किसी एक सेक्टर में
मांग चेंज होता है और उसका प्रभाव का अध्ययन सभी क्षेत्र में देखेंगे, अदर अन्य क्षेत्र में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि अगर एक क्षेत्र में अगर प्राइस बढ़ता है, मान के चलते हैं कॉमोडिटी मार्केट का अगर प्राइस बढ़ता है और इसका सिर्फ कॉमोडिटी मार्केट में ही इम्पैक्ट देखेंगे तो ये हमारा पार्शियल हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी, मतलब कि ऑल सेक्टर में अगर हम देखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जनरल इक्विलिब्रियम, है ना।